अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, प्राइम स्पोर्टिंग के साथ मैं आपका होस्ट हाजिर हूँ आपकी खिदमत में। काउंसिल यूनिवर्सिटी ग्राउंड के अंदर जहाँ रेजोल्यूशन कप का ये चौथा मैच खेला जा रहा है, जरमावल क्रिकेट क्लब वर्सेस आल स्टार बाराकोट के दरमियान। तुम्हारे व्यूअर्स को बताता चलूँ, जरमावल क्रिकेट क्लब जो है वो बैटिंग के लिए इस वक्त उसके बैट्समैन और फील्डर्स ग्राउंड के अंदर मौजूद हैं। तुम्हारे व्यूअर्स से गुजारिश है, प्लीज़ मेरे साथ इस तक स्टे रहें और इंशाल्लाह 3 से 4 मिनट के वक्त तक आपको वापस हम ज्वाइन करेंगे। प्राइस वोटिंग के साथ आप तमाम व्यूअर्स से गुजारिश है, प्लीज़ एक बार अपने पेज के ऊपर मेरे पेज को लाजमी शेयर कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो बआसानी आपको लिंक की मिल सके। वेलकम जी, थैंक यू वेरी मच। तमाम व्यूअर्स से मेरी गुजारिश है, प्लीज़ पेज को ज्वाइन करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करके इसको शेयर करें ताकि हर आने वाली नई वीडियो बआसानी आपको मेरे पेज के ऊपर मिल सके। तमाम व्यूअर्स से गुजारिश है, एक बार अपने पेज के ऊपर मेरे पेज को लाजमी शेयर कर दें। बैक ऑफ प्ले बॉल और स्लो डिलीवरी, थोड़ी सी अपिश खेला, लेफ्ट ऑन स्पिन के लिए अपनी बॉल निशान के ऊपर मौजूद। पीछे पड़ा हुआ बॉल था, बकरू फायदा था इसके, लेग अंपायर के पास से गुजरता हुआ 4 रन के लिए एक खूबसूरत शॉट। बारिश है, प्लीज़ एक बार मेरे पेज के पेज के ऊपर लाजमी शेयर कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो बआसानी आपको मेरे पेज के ऊपर मिल सके। वहाँ भी उसको पता चलिए ग्रेजुएशन शॉट के लिए चौथा मैच खेला जा रहा है कौन से यूनिवर्सिटी ग्राउंड के अंदर। और एक खूबसूरत चार मेरे विकेट के ऊपर से था कि खेल गया, फील्डर मौजूद नहीं और 4 रन का इशारा, अंपायर और उसके लग अंपायर इस पर मौजूद हैं विश्वास चौहान जो मैच को सुपरवाइज कर रहे हैं दोनों सीनियर अंपायर। चार एक बार फिर, इस बार थोड़ा सा पीछे पड़ा बॉल था, कट कर दिया, खूबसूरत शॉट है 4 रन के लिए, 13 रन हो चुके हैं। बहुत अच्छी बैटिंग का मुजाहरा जरमावल के क्रिकेटर की जाने से।
हमारे व्यूअर से गुजारिश है, प्लीज़ कमर्स करके बताएं कि आज का रिजल्ट कैसा है। तमाम व्यूअर से एक बार फिर मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि कमर्स की सूरत में करके बताएं। लॉन्ग ऑन की जाने जोरदार शॉट खेल देगा, फील्डर मौजूद और एक आसानी से एक कैच करने में कामयाब हुए फरहान, पहला विकेट हासिल करने में कामयाब हुए। बहुत जल्दी दिखाई बैट्समैन मोहसन ने, अब तक तीन चौके लगातार लगा चुके थे, ये गैर जरूरी शॉट उन्होंने खेला और अपनी विकेट गवाई। पहला विकेट मौसम की शुरू में नुकसान उठाना पड़ा, जरमावल के जगह पर पहली विकेट हासिल करने में कामयाब हुए फरहान। थैंक यू वर्मा जी, आमिर रफीक थैंक यू वर्मा जी, आपने हमें ज्वाइन किया। राजा इदरीस वेलकम करता हूँ, खुशामदीद कहते हैं अपने पेज के ऊपर। नए आने वाले बैट्समैन हैदर जो ज्वाइन करेंगे हसन को। हैदर फरहान एक बार फिर अच्छी डिलीवरी मुताद तरीके के साथ फ्रंट फुट के ऊपर पाँव निकाल के खेले और मैं अपने पेज के ऊपर नुमान अली को वेलकम करता हूँ, खुशामदीद कहता हूँ। तमाम से मेरी गुजारिश है प्लीज़ कमेंट्स करके बताएँ कि आज का रिजल्ट आपको कैसा दिखाई दे रहा है, अगर कहीं ब्लरिंग है तो प्लीज़ कमेंट्स करके मुझे बताएं, मैं अपने रिजल्ट को मज़ीद बेहतर कर सकता हूं। शुक्रिया, थैंक यू मुझे अपने पेज के ऊपर एक एक बार मेरे पेज को पर्सनल लाजमी शेयर कर दें। तमाम व्यूअर्स को बताता चलूँ, रेजोल्यूशन कप T20 टूर्नामेंट कैमसन यूनिवर्सिटी ग्राउंड के अंदर जारी हो सारी है, जहाँ आज बड़ा कांटेदार मुकाबला होगा जरमाउल क्रिकेट क्लब से आस्टार बाराको के दरमियान। आस्टार बाराको की कैप्टन ने टॉस जीतकर पहले बॉलिंग करने का फैसला किया और दावत दी है जरमाउल क्रिकेट क्लब के कैप्टन को, और जरमाउल के अब तक एक खिलाड़ी आउट हो चुका है। एक ओवर के अख्ताम के ऊपर 12 रन हो चुके हैं एक खिलाड़ी के नुकसान पर। दूसरे ओवर के लिए इस वक्त तमाम जी उसको बताता चलूँ, हसनैन और हैदर इस वक्त क्रीज के ऊपर मौजूद हैं जरमाउल क्रिकेट क्लब की जानिब से। सेकंड ओवर कंटिन्यू रखेंगे यूनिवर्सिटी एंड से। थैंक यू वर्मा जी, जितने लोगों ने मुझे अब तक ज्वाइन किया है मैं अपने पेज के ऊपर वेलकम करता हूँ, कुछ आमदी कहता हूँ। तो आम व्यूअर से मेरी गुजारिश है एक एक बार मेरे पेज को अपने पेज के ऊपर लाजमी शेयर कर दें ताकि हर आने वाली नई वीडियो बसानी आपको मिल सके। तमाम व्यूअर्स को बताता चलूँ, मेरे साथ इसी तरह जुड़े रहने का बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम व्यूअर्स का। तमाम व्यूअर्स से मेरी गुजारिश है प्लीज़ कमेंट्स करके बताएं आज का रिजल्ट आपको कैसा दिखाई दे रहा है, मैं आप तमाम व्यूअर्स का कमेंट्स का इंतजार कर रहा हूं। थैंक यू वर्मा जी, खोखर तौसीफ की आनी को अपने पेज के ऊपर वेलकम करता हूँ, खुशामदीद कहता हूँ। वालेकुम अस्सलाम, बहुत अच्छा है, थैंक यू वर्मा जी, ज़बरदस्त। सैयद इब्राहिम शाह को मैं अपने पेज के ऊपर वेलकम करता हूँ, खुशामदीद कहता हूँ। जी प्लीज़ आज बताइएगा ज़रा, क्योंकि आज का रिजल्ट थोड़ा सा जी। थैंक यू वर्मा जी, नुमान अली पीछे पड़ा हुआ बॉल था,
मिडल इलेक्शन की जानब और अंपायर का इशारा वाइड का, एक्सरसाइज की शुरू में एक रन का इजाफा होगा, स्कोर बढ़ता हुआ 13। थैंक यू वरमा जी, तमाम व्यूअर्स से मेरी एक बार फिर गुजारिश है, प्लीज़ मैं वेलकम करता हूँ वॉइस को अपने पेज के ऊपर, बहुत अच्छा रिजल्ट है सर। थैंक यू वरमा जी, शुक्रिया, क्योंकि कल के जो हमने एक लाइव प्रोग्राम किया था किसी भी के वाले से, उसमें थोड़ा सा रिजल्ट आउट था उसका, उसके लिए हम माजत हुएँ, और कोशिश यही है कि अपने व्यूअर्स को, नाजरीन को हम अच्छे से अच्छा रिजल्ट प्रोवाइड करें ताकि वो घर बैठे हुए क्रिकेट से लुत्फानंदोज़ हो सकें, महजूज़ हो सकें। कि तमाम व्यूअर्स को मैं बताता चलूँ, रेजोल्यूशन कप का ये चौथा मैच जरमावल क्रिकेट क्लब वर्सेज आज साल बाराकोट के दरमियान कॉन्सेंट यूनिवर्सिटी के अंदर से जारी और सारी है, और ओवैस अपने ये सेकेंड ओवर कर रहे हैं टीम का, और अपना पहला ओवर करने के लिए अपने बॉलिंग निशान के ऊपर मौजूद। जी वालेकुम अस्सलाम, बिल्कुल जी अजीज़ुल्लाह, इस वक्त हमें अस्सलाम वालेकुम कहा उन्होंने, वालेकुम अस्सलाम जी, थैंक यू जी। खोखर गखर के यानी बिल्कुल जी, बहुत अच्छा बॉल, बैकफुट के ऊपर बॉल को प्लेस किया, कवर की जाने फील्डर मौजूद, बिल्कुल सही कहा जी सैयद राहुल शान ने, लश ग्रीन विकेट है और बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है, टेस्ट मैच वाला विकेट है, और माशाल्लाह जहां आप जानते हैं ये ग्राउंडमैन साजिद बड़ी अच्छी से बड़ी मेहनत करके बड़े अच्छे तरीके से मेहनत दिन रात मेहनत करते हैं इस ग्राउंड के ऊपर। आप को मैं ये बताता चलूँ कि बहुत अच्छा मेनटेन किया हुआ ग्राउंड है, ग्रीनरी है, और इस मौसम के अंदर आपको ये भी बताता चलूँ कि काफ़ी सारे ग्राउंड ऐसे हैं जो ग्रीन नहीं है। वैसे एक बार फिर इस बार जोरदार कवर ड्राइव कर दिया, खूबसूरत शॉट, चार रन के लिए अंपायर का इशारा, यहाँ चार रन होंगे, हुसैन एक दिलकश शॉट खेला उन्होंने, बेस्ट ऑफ लक, यू आर डूइंग एक्सलेंट जॉब, थैंक यू वर्मा जी। नुमान अली शुक्रिया, बहुत बहुत मेहरबानी आपके प्यार का। नुमान अली ये हमें बाराकोट से इन्होंने ज्वाइन किया हुआ है, और इस वक्त जितने भी मेरे व्यूअर्स हैं मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ और उनको अपने पेज के ऊपर वेलकम करता हूँ जी। हुसैन एक बार फिर सामना करेंगे अवैस की बॉलिंग का, अब तक 17 रन हो चुके हैं, दूसरे ओवर का खेल जारी है, एक खिलाड़ी के नुकसान पर अवैस अपने बॉलिंग निशान से दौड़ते हुए अंपायर को क्रॉस किया, इस बार मिड और लेफ्ट स्टंप की जाने बॉल था, अंपायर का इशारा वाइड का होगा, और यहां मजीद एक रन एक्सरसाइज की सूरत में हासिल होंगे जरमावल पे ZCC पर। जी राशा साहब, आपका बड़ा एक्सपीरियंस है इस हवाले से, क्योंकि आप माशाल्लाह काफ़ी अच्छी जो नज़र रखते हैं क्रिकेट के ऊपर, माशाल्लाह आप एक अच्छे सीनियर ऐसे। एक बार फिर बहुत अच्छा, बहुत आउट क्लास शॉट, बैकफुट पंच किया, कोई खिलाड़ी इस बॉल को नहीं रोक पाया, बॉल पलकते झपकते हुए बाउंड्री लाइन क्रॉस किया, अंपायर का इशारा, यहाँ चार रन होंगे, एक खूबसूरत शॉट देखने के लिए शाकिर को मिला हुसैन की जानब से, स्कोर बढ़ता हुआ 22, दूसरे ओवर का खेल जारी, एक खिलाड़ी के नुकसान। थैंक यू वर्मा जी, तमाम व्यूअर्स से एक बार फिर मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज़ एक एक बार अपने पेज के ऊपर इस पेज को लाजमी शेयर कर दें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आसानी आपको मिल सके, और तमाम व्यूअर्स से मेरी गुजारिश अपने फैमिली और फ्रेंड्स की आईडीज़ के ऊपर भी इस मैच को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि क्रिकेट लवर्स। एक अच्छा बॉल, थोड़ा सा अंदर की तरफ आया, बड़े अच्छे मुतासर के साथ हुसैन ने स्केयर लेग अंपायर के पास से खेल दिया, एक खूबसूरत फील्डिंग का मुजाहरा शवाल की जानब से, और दो रन सेव करने में कामयाब हुए, स्कोर बढ़ता हुआ 24। ये शुक्रिया तमाम व्यूअर्स को मैं बताता चलूँ, बड़ा कांटेदार मुकाबला दोनों टीमों के दरमियान होने की तौर पर, बड़ा खूबसूरत मौसम दिलकश मौसम, हल्की हल्की चमचमाती धूप इस वक्त ग्राउंड के अंदर मौजूद है, आप ये देख सकते हैं ग्रीनरी ग्राउंड भी मुकम्मल तौर पर इस वक्त, और विकेट भी इस वक्त मुकम्मल तौर पर लश ग्रीन विकेट है, और अवैस अपना लास्ट बॉल करने के लिए बॉलिंग निशान से अंपायर को क्रॉस किया, आगे पड़ा हुआ था, बहुत अच्छे तरीके से बॉल को फ्लिक कर दिया गया, और बहुत खूबसूरत शॉट हुसैन का, 6 रन का इजाफा होगा यहाँ, स्कोर बढ़ता हुआ 30। दौर के अख्ताम के ऊपर 30 रन हो चुके हैं, एक खिलाड़ी के नुकसान पर, बड़ा खूबसूरत शॉट खेला और बड़े दिलकश शॉट हुसैन ने इससे पहले बॉल के ऊपर भी खेला था, कवर के ऊपर बैकफुट पंच किया था उन्होंने, बड़ा दिलकश खूबसूरत शॉट था, हमारे शायकिन को
देखने के लिए मिला। इसी किस्म की कैलकुलेशंस क्रिकेट खेलनी होगी दोनों बैट्समैन को, अगर एक अच्छा टारगेट सेट करना है ZCC के बैट्समैन को तो काउंटिंग क्रिकेट खेलनी होगी। बहुत ज़्यादा ओवर एग्रेशन करने में आपको नुकसान भी हो सकता है बैट्समैन को, स्पेशली जैसे कि लास्ट ओवर्स के अंदर मौसम ने कंजेक्टली 3 चौके लगाकर चौथी बॉल के ऊपर लॉन्ग ऑफ के ऊपर कैच हो गए थे। फरहान अपना सेकंड ओवर कंटिन्यू रखेंगे पाक तुर्खंड से और इस वक्त 30 का मजमुआ। फरहान एक बार फिर आए, आगे पड़ा हुआ बॉल था, ड्राइव करना चाहते थे, बॉल इनर एज हुआ और सीधा थर्ड बैक मिड विकेट की जाने, फील्डर मौजूद, मजीद एक रन का इजाफा होगा। यहाँ गोल बढ़ता हुआ 31। यहाँ भी उसको बताता चलूँ आज का मैच सुपरवाइज कर रहे हैं शाहीन इकबाल और उनके साथ मुजीद अशफाक चौहान ऑफिशियल नंबर हैं PCB के, और हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं एक और सैयद इबरार हुसैन शाह। पीछे पड़ा हुआ बॉल था, जोरदार पंच किया इस बार, एक खूबसूरत शॉट, दिलकश शॉट देखने के लिए शाकिन को मिला हुसैन की जानिब से। 4 रन होंगे यहाँ स्कोर बढ़ते हुआ 35। 7 बॉलों के ऊपर 20 रन अब तक बनाए हुए हैं और इस वक्त चाहिए होगा फरहान को अपनी बॉलिंग के ऊपर कंट्रोल करने के लिए थोड़ा सा उनको चाहिए होगा कि बॉल को थोड़ा सा ज़रा उसकी स्पेस को कम ज़्यादा करें। एक बार फिर लैंथ डिलीवरी बड़े मुतातिर के साथ हुसैन ने वापस बॉलर की जानिब खेला और इस वक्त थोड़ा सा लेंथ को चेंज किया फरहान ने और हुसैन ने भी मुतातिर के से खेला। हुसैन एक बार फिर सामना करेंगे फरहान का, आई एम्पायर क्रॉस किया इस बार मिडल लेफ्ट हैंड की जानिब, बॉल पड़ने के बाद थोड़ा सा बाहर निकला और मुतातिर के साथ फ्रंट फुट पैर निकाल कर खेले और मुकम्मल तौर पर बॉल को टाइम करने में कामयाब नहीं हो सके और एक अच्छा बॉल बीट करने में कामयाब हुई इस बार फरहान। 35 के मजबूत स्कोर के ऊपर एक लड़के के नुकसान पर तीसरे ओवर का खेल जारी। फरहान एक बार फिर आए, बहुत अच्छी लेंथ के साथ बॉल कर रहे हैं, बहुत अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट दोनों बैट्समैन के दरमियान और एक सिंगल हासिल करने में कामयाब हुए हुसैन और हैदर अली। मैं अपने पेज के ऊपर वेलकम करता हूँ मलक जाहिद को, थैंक यू और मजीद जिन्होंने हमें ज्वाइन किया, खुश आमदीद कहते हैं। एक बार फिर बहुत अच्छा बॉल पड़ने के बाद थोड़ा सा बाहर निकला और मुताद तरीके के साथ शॉर्ट मिड विकेट को बॉल को प्रेस करना चाहते थे हैदर और नाकाम हुए सिंगल हासिल करने में। 3 ओवर के अख्ताम के ऊपर 36 रन एक लड़के नुकसान पर, इस ओवर में 6 रन दिए, बड़ी अच्छी बॉलिंग की फरहान की जानिब से और कंट्रोल किया अपने जो बढ़ते हुए स्कोर। इस किस्म की क्रिकेट खेलने के लिए दोनों बैट्समैन को चाहिए होगा सिंगल डबल के साथ रोटेशन लाजमी मस्त होती है क्रिकेट की, हुसैन भी सिंगल डबल ही हैं साथ साथ बाउंड्रीज भी हासिल करते हैं। अगर आप ये समझते हैं कि यार सिंगल डबल को छोड़ दिया जाए और सिर्फ बाउंड्रीज के ऊपर रिलाई किया जाए तो ये शाकिन क्रिकेट इधर मेरे साथ मौजूद हैं लाइव, उनको भी मालूम है कि ये बड़ा मुश्किल होता है कि उसको मेनटेन करना स्कोर को, जब आप सिंगल डबल रिटेट कर रहे होते हैं और साथ आप बाउंड्रीज भी हासिल कर रहे होते हैं तो उसमें ये होता है कि आपके मैक्सिमम रन्स बनने के चांस होते हैं। जी बॉलिंग चेंज की गया, लेफ्ट आर्म स्पिनर को लाया गया है हक नवाज, बैकवुड के ऊपर बाल को प्रेस किया, बैकवुड पॉइंट के ऊपर फील्डर मौजूद और इस तरह किसी रन का इजाफा नहीं होगा। एक अच्छी हिकमत अमली कैप्टन की जानिब से और उन्होंने लेफ्ट आर्म स्पिनर हक नवाज को यूज़ किया है। बैट्समैन सामना करेंगे हुसैन हक नवाज का, माधव ने बॉलिंग चांस से आए एम्पायर को क्रॉस किया, फुलदा डिलीवरी मिड लॉन्ग ऑन की जाने बॉल को प्रेस किया, फील्डर मौजूद अहमद अफरीदी, उन्होंने बॉल को फील्ड किया। और इस बार कट करना चाहते थे बॉल एज हुआ सीधा थर्डमैन की जानिब, 4 रन का इजाफा होगा। अच्छा बॉल हक नवाज की जानिब से स्लिप से गुजरता हुआ सीधा थर्डमैन की जानिब, तमाम व्यूअर्स को मेरी गुजारिश है प्लीज़ एक बार पेज मेरे पेज को अपने पेज के ऊपर लाजमी शेयर करें, थैंक यू और मजीद तमाम व्यूअर्स को एक बार मैं अपने पेज के ऊपर वेलकम करता हूँ, खुश आमदीद कहता हूँ। तमाम व्यूअर्स को बताता चलूँ रेजोल्यूशन कप का ये चौथा मैच लाइव टेलीकास्ट करें हम प्राइम स्पोर्ट TV के ऊपर कॉमसा यूनिवर्सिटी ग्राउंड के अंदर, जहाँ दोनों टीमें जरबावल क्रिकेट वो आज सौ 12 के दरमियान ये मैच खेला जा रहा है। एक अच्छा बॉल, बहुत अच्छी कैप किया कीपर ने, मिडल लेग स्टंप की जाने बॉल था अंपायर का इशारा, वाइड बॉल, एक रन का मजीद इजाफा होगा एक शॉट की सूरत में।
वेलकम करता हूँ अपने पेज के ऊपर अशरफ अली खान साहब को, थैंक यू वेरी मच जिन्होंने मुझे आया। बहुत खूबसूरत चार्ज मेरे विकेट को बॉल को प्लेस कर दिया, फील्डर मौजूद है शोहर खान, यहाँ मजीद एक रन का इजाफा होगा। थैंक यू वेरी मच जी, अशरफ अली खान को मैं अपने पेज पर वेलकम करता हूँ जी, ग्रीन लैंड के कोच हैं और कैप्टन हैं। थैंक यू वेरी मच, तमाम से गुजारिश है प्लीज़ एक बार मेरे पेज को अपने पेज के ऊपर लाजमी शेयर कर दें अपने फ्रेंड्स के ऊपर। थैंक यू वेरी मच जी, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम व्यूअर्स का, आप तमाम व्यूअर्स इसी तरह मुझे प्यार देते रहते हैं, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है। एक बार फिर हकमवाल बहुत अच्छे तरीके से ट्रैक फुट के ऊपर बॉल को फेस कर दिया गया, कवर की जानेब फील्डर मौजूद थे और इस नाम की समझ इजाफा नहीं होगा। एक खूबसूरत ओवर हकमवाल की जानेब से स्कोर बढ़ता हुआ 42। लास्ट दो ओवर छः ओवर छः रन किए हुए हैं, बड़ी अच्छी बॉलिंग की जा रही है। जैसे तो बाजवा साहब अपनी बॉलर्स को हदायत देते हुए कि किस टाइप की आपने बॉलिंग करनी है, किस साइड पे ऊपर आपने फील्डिंग प्लेसमेंट लेनी है। बहुत खूबसूरत ओवर दोनों बॉलर्स की जानब से, लास्ट ओवर फरहान ने भी छः रन का दिया था और हकनवाज ने भी ये ओवर जो है जो अभी गुजरा है उसमें एक रन छः रन दिए हैं। बिल्कुल जी असदुर रहमान खान, थैंक यू वर्मा जी, हम आपको अपने पेज के ऊपर वेलकम करते हैं, खुश आमदीद कहते हैं। फरहान एक बार फिर बड़ा अच्छा अंदर की तरफ आ रहा है, थोड़ा सा ऊपर था उनका जैसे नहीं थे सफी के अंदर, एक खूबसूरत बॉल भी करने में कामयाब हुई इस बार फरहान और उस मुताब तरीके से खेला उन्होंने बॉल को जी। थैंक यू वर्मा जी, बिल्कुल जी लिहाज बहुत ज़्यादा और विकेट के ऊपर और बड़ा अच्छा ग्रीन लक्ष्य विकेट है, इस बार खा के खेल दिया गया लॉन्ग ऑन के ऊपर से, छः रन का इजाफा होगा। यहाँ के खूबसूरत चार्ट हुसैन की जानब से, थोड़ा सा आगे की तरफ बॉल था जिसको भरपूर फायदा उठाया हुसैन और मुकम्मल तौर पर टाइम किया, छोटा ग्राउंड है छोटी बाउंड्री है जिस वजह से छः रन हासिल करने में कामयाब हुए। ये खूबसूरत शार्ट हुसैन का, हुसैन ने आज बहुत देर तक शार्ट खेले, अब तक 48 रन हो चुके हैं। फरहान एक बार फिर बॉलिंग चांस से आए, इस बार कदमों का इस्तेमाल करके खेलना चाहते हैं बॉलर की जानब, बॉलर ने खुद बॉल को फील किया, एक अच्छा बॉल डॉट करने में कामयाब, एक खूबसूरत शार्ट था हुसैन का। हुसैन एक बार फिर सामना करेंगे फरहान का, भाई अंपायर को क्रॉस किया, इस बार बहुत अच्छा तरीके से बैकफुट के ऊपर बॉल को प्रेस कर दिया गया, शॉर्ट मिड की जाने बॉलर ने बॉल को खुद फील किया, मजीद एक रन का इजाफा हो गया। यहाँ स्कोर बढ़ता हुआ 49। फरहान एक बार फिर कदमों का इस्तेमाल करके खेलना चाहते थे और इस बार कैच हो सकता है और आसान कैच, जैसा कि मैंने आपको कहा था कि सिंगल डबल की रोटेशन के साथ बैट्समैन को खेलना होगा, अगर बहुत ज़्यादा बाउंड्रीज हासिल करेंगे तो आपको यहाँ विकेट गवाना होगी, तो डेफिनेटली फरहान ने ये दूसरा विकेट हासिल किया, कीमती विकेट हासिल किया हुसैन का, दो एक छक्का खाने के बाद बैट्समैन को खुद सिंगल डबल के ऊपर रोटेट करना हो चाहिए ताकि एक बड़े नुकसान से बचा जा सके। जैसे कि आपने देखा फरहान ने लास्ट सेकंड लास्ट बॉल के ऊपर 6 रन खाए थे लॉन्ग ऑन इसी जगह पे और वेरी नेक्स्ट बॉल के ऊपर आउट करने में कामयाब हुए, मिस टाइम हुआ सीधा फील्डर के हाथों में बगैर किसी गलती किए हुए, आसान कैच पकड़ा अवैस ने। आसिफ नए आने वाले बैट्समैन जिन्होंने ज्वाइन किया अब तक मौजूद हैं, उनका साथ हुसैन हजर आरोने वाले बैट्समैन थे। एक अच्छा ओवर ZCC की जानिब से फरहान का, इस ओवर के अंदर अब तक 7 रन दिए हैं, लास्ट बॉल बाकी, इस बार लॉन्ग ऑफ के ऊपर से उठा के खेल दिया गया, फील्डर मौजूद नहीं थे, एक खूबसूरत शॉट हुसैन का, 4 रन हासिल करने में कामयाब हुए, स्कोर बढ़ता हुआ 53। 5 ओवर के अख्ताम के ऊपर 53 दो खिलाड़ी के नुकसान पर,
अच्छा बाल पैक पे लगने बाद अच्छी पानी लग के जाने फील्डर मौजूद। शेष आगे 3 ओवर हो चुके हैं, 71 रन हैं, 2 खिलाड़ी साठ पर। तो आज इसको अपने प्लेट के ऊपर बदलकर बहुत शामिल करते हैं। एक बार फिर मैं आपके खेत में हाजिर हूँ। हुसैन का सामना फिर करेंगे करान की बॉलिंग का, क्योंकि पावर बॉल तो बड़ा अच्छा बॉल को पेश किया लॉन्ग ऑन की जानब क्राइयों की मदद के साथ। ये खूबसूरत शॉट सिंगल हासिल करने में कामयाब हुए। एक अच्छे बैट्समैन की यही निशानी होती है कि वो सिंगल डबल के साथ बाउंड्रीज हासिल करता है। वो क्वालिटियाँ तमाम मौजूद हैं यंग टैलेंटेड हुसैन के अंदर। वो सिंगल डबल के ऊपर भी रोटेट करते हैं और अच्छा बॉल के ऊपर सिंगल डबल और बुरा बॉल आता है उसके ऊपर बॉडी हासिल करने में कामयाब होते हैं। उफरान एक बार फिर जो बॉल इंसान के ऊपर मौजूद आसिफ सामना करेंगे उनकी बॉल का फ्रंट फुट पैड निकाल कर बहुत अच्छी रनिंग बिटवीन विकेट आसिफ की और हुसैन की। एक रन मजीद हासिल होगा यहाँ गौर बढ़ता हुआ 73। 7वें ओवर का खेल जारी, 2 खिलाड़ी के नुकसान था। आसिफ बड़े अच्छे सिंगल डबल वाले रोटेशन बैट्समैन है और ये ज़्यादा बाउंड्रीज के ऊपर लाई नहीं करते हैं, कोशिश यही करते हैं सिंगल डबल। इस बार बहुत अच्छा इस्तेमाल करने का किया और बॉल बाउंड्री लाइन से बाहर फेंक दिया हुसैन ने और 6 रन हासिल करने में कामयाब हुए। 7 ओवर के अख्ताम के ऊपर 79-2 लॉस ऑफ। एक खूबसूरत शॉट हुसैन का दिलकश कदमों का इस्तेमाल करके लॉन्ग ऑफ के ऊपर से बॉल को प्लेस किया 79। तो बॉल बॉन्डिस बाहर खेली हुई है और अंपायर जो नया बॉल यूज़ करने के लिए इस वक्त ग्राउंड के ऊपर मौजूद हैं थर्ड अंपायर और उन्होंने बॉल खिलाया। ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर होगा बैट्समैन के लिए और बॉलर्स के लिए, क्योंकि एक मोमेंटम के साथ जब आप खेल रहे होते हैं तो बॉल बड़ा मैटर कर रहा होता है। तो आप देखना ये होगा कि जो बॉल चेंज हुआ है इसमें बॉल किसके लिए बड़ा इफेक्टिव होगा, बॉलर्स के लिए या बैट्समैन के लिए, दोनों को बड़ा मुताब रहना होगा। देखते ये हैं कि अंपायर क्या डिसीजन लेते हैं। जब तक तो 7 ओवर हो चुके हैं,
एक और खूबसूरत शॉट बैक टू बैक बाउंड्रीज हासिल करने में कामयाब हुए। हुसैन बहुत अच्छी बैटिंग की अब तक, 32 गेंदों के ऊपर 71 रन की खूबसूरत इनिंग्स करी है नकाबले शिकस्त से रेंज। जैसा कि प्राइम स्पोर्ट्स अपने चैनल के तौर से तमाम प्लेयर्स को हाईलाइट करता है, हुसैन वन ऑफ देम, एक खूबसूरत है यंग लड़का है और इसके अंदर एबिलिटी मौजूद है। यही वो कैमरे की आंख है जो तमाम व्यूअर्स को दिखा रही है एक टैलेंट को। आपने देखा इस प्राइम स्पोर्ट्स टीवी के चैनल के तौर से एक खूबसूरत शॉट विकेट की चारों तरफ उन्होंने खेले, कवर के ऊपर भी खेले, लॉन्ग ऑफ के ऊपर भी खेले, मिड विकेट के ऊपर, स्केयर लेग के ऊपर भी खेले, स्ट्रेट के ऊपर भी ब्रेक, दिल का खूबसूरत शॉट खेले और अब तक उन्होंने 32 गेंदों के ऊपर 71 रन की रिकॉर्ड शिकस्त से खेली है जिनमें उन्होंने 4-5 छक्के लगाए हैं और 8 चौकों की मदद से अब तक 71 रन किए हुए हैं। उनका साथ मौजूद है आसिफ, अब तक आसिफ ने 6 बॉलों के ऊपर 5 रन, बड़ी अच्छी सिंगल डबल रोटेशन के साथ वो मौका दे रहे हैं हुसैन को और एक अच्छे रन जोड़ने के लिए कामयाब हैं। इस वक्त 8 ओवर्स के अख्ताम के ऊपर 92 रन, 2 क्लब ने नुकसान पा। जुबैर बॉलिंग के लिए अपने बॉलिंग शाम के ऊपर मौजूद है, पहला ओवर करेंगे एक जानिब से और सामना करेंगे इस बार आसिफ अपने बॉलिंग शाम के ऊपर। आए अंपायर को क्रॉस किया, आगे पड़ी डिलीवर थी, फट फुट पैर निकालकर बैकवर्ड पॉइंट के ऊपर बाल को फेस कर दिया, फील्डर मौजूद है आसिफ अफरीदी ने बॉल को बड़ी छतरी के बॉल को कैप किया और सीधा स्टंप्स को थ्रो की और इस दौरान कोई रन हासिल करने में कामयाब नहीं हुए आसिफ। एक बार फिर सामना करेंगे आसिफ की बैटिंग, आए अंपायर को क्रॉस किया, बहुत अच्छी रैली रन के साथ बॉलिंग किया, मुतादरी के साथ बॉल को खेलना चाहते हैं अजुआ, विकेट कीपर ने बॉल को कैप किया, एक दो बॉल बीट करने में कामयाब हुए जुबैर। एक बार फिर आसिफ सामना करेंगे जुबैर की बॉलिंग का, जुबैर अपनी बॉलिंग शाम के ऊपर मौजूद, आए अंपायर को क्रॉस किया, एक बार फिर आगे की बड़ा बॉल था, फ्लिक करना चाहते थे बॉल अजुआ और एक और खूबसूरत बॉल बीट करने में कामयाब हुई इस बार जुबैर। जुबैर 3 बॉल T20 के अंदर बड़े मानी रखते हैं और बड़ा अच्छा होता है कि जब 3 बॉल आप एक बैट्समैन के ऊपर बीट कर रहे होते हैं तो T20 के अंदर कुछ भी नहीं कहा जा सकता कि किस अगली बॉल के ऊपर क्या हो रहा है। अब तक 3 बॉलें लगातार डॉट की हैं आसिफ के ऊपर, अब देखना ही होगा कि वो अपना प्रेशर मेंटेन रख पाएंगे कि नहीं पाएंगे। जुबैर एक बार फिर एक और बॉल बीट करने में कामयाब हुए, डॉट करने में कामयाब हुए, बहुत अच्छी बॉलिंग का मुजाहरा कर रहे हैं जुबैर। अब तक जमावल की जानिब से 4 बॉल लगातार डॉट किए, इस वक्त मिड विकेट के ऊपर सिंगल हासिल करने में कामयाब हुए, अच्छा बॉल था जुबैर का। अब तक 5 बॉलों के ऊपर 1 रन देने में कामयाब हुए जुबैर, वेरी वेल बॉलिंग जी जुबैर और डेंजरस मैन क्रीज के ऊपर मौजूद है हुसैन। अब देखना होगा कि हुसैन को किस एंगल से बात करती हैं, अब तक बहुत अच्छी बैटिंग कर रहे हैं हुसैन। और जुबैर अपने बॉलिंग चांस के ऊपर मुझे अब तक 5 बॉलों पर 1 रन देने में कामयाब हुए हुसैन, पहली बॉल का सामना करेंगे जुबैर का, आई अंपायर को क्रॉस किया, बहुत अच्छा क्लासिक शॉट खेला बैकवर्ड पॉइंट के ऊपर, बैकवर्ड के ऊपर कवर की जानेब, 1 रन हासिल करने में कामयाब हुए। 9 ओवर के अख्ताम के ऊपर 94 रन, लॉस ऑफ 2 विकेट। वेलकम जी, कमर्शियल ब्रेक के बाद हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं। इस वक्त
तमाम यूनाइजेशन कप 2021 का फोर्थ मैच कौनसा यूनिवर्सिटी ग्राउंड के अंदर से लाइव टेलीकास्ट करें प्राइम स्पोर्ट टीवी के ऊपर ZCC वर्सेज ASB के दरमियान। और चेंज किया गया है बैटफुट के ऊपर, बहुत अच्छा बात कर सकते आदिल शब्बीर मौजूद हैं बॉलिंग के लिए। ये सेकंड ओवर करें, पहले ओवर के अंदर उन्होंने 12-13 रन दिए थे। 10वें ओवर का खेल जारी है, 95 रन लॉस्ट ऑफ 2 विकेट्स। तमाम से गुजारिश है प्लीज़ कमर्स करके बताएं कि आज का रिजल्ट कैसा जा रहा है। तमाम जो सोशल मीडिया पेज के ऊपर मौजूद हैं, आदिल शब्बीर अपने बॉलिंग शान के ऊपर मौजूद, बड़े अच्छे क्रिकेटर थे, फास्ट बॉलर थे। साउथ इंडी रीजन की नुमाइंदगी कर चुके हैं आदिल शब्बीर। एक बार फिर आए, एक बार मिड विकेट और लॉन्ग ऑन के दरमियान के बाद प्लेस कर दिया गया, फील्डर मौजूद है, बड़ी अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट दोनों बैट्समैन के दरमियान। ओ माय गॉडनेस, अगर ये रैक हिट लगती तो आसिफ रन आउट हो सकते थे। बड़ी अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट आसिफ की और हुसैन की, दो रन मजीद हासिल करने में कामयाब हुए। आदिल शब्बीर एक बार फिर अपने बॉलिंग चांस के ऊपर से दौड़ते, आदिल शब्बीर अपने बॉलिंग चांस से दौड़ते और इस बार सामना करेंगे आसिफ। फुल हैंड डिलीवरी थी, रॉक की जाने बॉल को फेस कर दिया फील्डर मौजूद है अहमद आफरीदी, उन्होंने बॉल को फील्ड किया, मजीद किसी रन एक रन का इजाफा। वो बढ़ता हुआ 97, तब तक तीन बॉलों के ऊपर तीन रन देने में कामयाब हुए आदिल शब्बीर। हुसैन इस बार सामना करेंगे आदिल का, ओ माय गॉडनेस, नीचे लग गया था, बहुत अच्छा आदिल ने डाइव लगा के कैच किया, बहुत खूबसूरत कीपिंग का मुजाहिरा आदिल की जानिब से ZCC के विकेट कीपर आदिल पर, थोड़ा सा बॉल आगे की तरफ गिरा और जमीन को लगता हुआ सीधा कीपर के ग्लव में, एक अच्छा बॉल आदिल शब्बीर की जानिब से एज हुआ पहला। आदिल शब्बीर एक बार फिर अपने बॉलिंग शान से दौड़ते हुए एम्पायर को क्रॉस किया, अच्छा खूबसूरत शॉट, रूलिंग शॉट खेला कवर की जानेब और वहाँ फील्डर मौजूद हैं, मजीद एक रन से इजाफा होगा, स्कोर बढ़ता हुआ 98। बहुत खूबसूरत नाइस पीस ऑफ बॉलिंग आदिल शब्बीर। लास्ट ओवर के अंदर जुबैर ने सिर्फ एक रन दिया था, दो रन दिए थे और आदिल शब्बीर अब तक तीन रन दे चुके हैं, चार रन दे चुके हैं, पाँच बॉलों के ऊपर, पाँच बॉल बाकी है, आसिफ उनकी बॉल का सामना करेंगे। इस बार दो तेरह एम्पायर को क्रॉस किया, एक बार फिर विकेट मिड विकेट की जाने बॉल को पैसे दिया, डाइव लगा के बॉल को रोकना चाहते थे, इजी इजी बॉल था जो कि उन्होंने अपने पास से जाने दिया और इस तरह चार रन हासिल करने में कामयाब हुए आसिफ अफरीदी। ओवर बढ़ता हुआ 102, 10 ओवर के अख्ताम के ऊपर 102 रन हो चुके हैं दो खिलाड़ी के नुकसान पर, अब तक 31 बॉलों के ऊपर 53 रन की पार्टनरशिप हो चुकी हुई है। करंट रन रेट 10.2 की एवरेज के साथ इस वक्त बन रहे, प्रोजेक्टेड स्कोर 204 के हिसाब से अगर ये रन रेट कंटिन्यू रखते हैं इसी तरह मोमेंटम को तो 204 रन का टारगेट दे सकती है ZCC की टीम। अब देखना ये होगा कि ASB की टीम इनको कितने रन तक रोकती है, जितने रन कम होंगे उनके लिए बड़ा इफेक्टिव होगा, अगर रन ज़्यादा होंगे तो बड़ा मुश्किल होगा चेज करना, छोटा ग्राउंड भी है हो भी सकता है चेज, अगर आप अपनी बैटिंग डेप्थ को रखते हैं तो आप इस 200 के टोटल को भी यहाँ चेज कर सकते हैं, यहाँ 250 रन का टारगेट ईजिली, अच्छी टीम हो तो चेज हो चुका हुआ है। अब देखना ये होगा कि आज कितना टारगेट सेट करेगी ZCC की टीम। हुसैन एक बार फिर सामना करेंगे जुबैर की बॉलिंग का, जुबैर ने लास्ट ओवर बहुत आउटस्टैंडिंग किया था, जुबैर अपने बॉलिंग शान के ऊपर मौजूद, उस बार सामना करेंगे हुसैन, आज एम्पायर को क्रॉस किया, बहुत दिल का खूबसूरत शॉट, बैकवर्ड पॉइंट की जाने फील्डर मौजूद थे, बहुत खूबसूरत फील्डिंग का मुजाहरा किया और बाउंड्री रोकने में कामयाब हुए, एक रन का मजीद इजाफा होगा हुसैन का। 37 बॉलों के ऊपर 75 रन किए अब तक हुसैन ने और 14 बॉलों के ऊपर 12 रन हाथ से बनाए हैं, नट आउट हैं दो अब तक दोनों बैट्समैन, दोनों बैट्समैन के साथ बड़ी अच्छी पार्टनरशिप, 32 बॉलों के ऊपर 14 रन की पार्टनरशिप हो चुकी है, 10.1 की एवरेज के साथ रन बना रही है ZCC की टीम। जुबैर एक बार फिर इस बार सामना करेंगे आसिफ, हाई एम्पायर को क्रॉस किया, बहुत अच्छी बॉलिंग, जोरदार शॉट खेलना चाहते थे, लॉन्ग ऑन की जानेब
और बॉलर ने बहुत अच्छी बॉल की और इस असनामे को सुन के इजाफा नहीं हुआ। जब इस बात पर सामना करेंगे आसिफ का, पीछे पड़ा हुआ बॉल था, बहुत अच्छी फील्डिंग आदिल शबीर की जानिब से और खूबसूरत पिच ऑफ फील्डिंग आदिल शबीर, एक रन बनाने में कामयाब हुआ आसिफ। स्कोर बढ़ता हुआ 104। ये वेलकम करता हूँ मोहम्मद मोबीन को, थैंक यू वर्मा जी आपने हमें ज्वाइन किया, वेलकम करता हूँ, खुश आमदी करता हूँ अपने पेज के ऊपर। ये अब तक रन हो चुके हैं 10.43 ओवर के अख्ताम के ऊपर, 104 रन हैं दो खिलाड़ियों इंसान को। जुबैर एक बार फिर कदमों का इस्तेमाल करके हुसैन ने लॉन्ग ऑन की जाने बाल को प्रेस किया, फील्डर मौजूद अवैस, उन्होंने बाल को फील्ड किया, मजीद एक रन का इजाफा होगा। स्कोर अब तक 105 हो चुके हैं, 11वें ओवर का खेल जारी है, दो खिलाड़ी के नुकसान पर। शुक्रिया, थैंक यू जी मोबीन भाई आपने हमें ज्वाइन किया ताहिरिया टाउन के सेट से, बहुत अच्छे क्रिकेटर हैं मोबीन भाई। जुबैर एक बार फिर सामना करेंगे आसिफ की बैटिंग का, आसिफ बड़ी अच्छी सिंगल डबल रोटेशन के साथ हुसैन का साथ दे रहे हैं। इस बार फिर खेल दिया गया लॉन्ग ऑन के कारण फील्डर मौजूद है आदिल शबीर, उन्होंने बॉल को फील्ड किया, मजीद एक रन का इजाफा होगा यहाँ। स्कोर बढ़ता हुआ 106, दो खिलाड़ी के नुकसान पर, बहुत अच्छी बैटिंग का मुजाहरा जेड सी की जानिब से मोहम्मद हुसैन का और उनके साथ हैं आसिफ। जुबैर इस बार फिर सामना करेंगे हुसैन का, पीछे पड़ा बहुत खूबसूरत शॉट, मिड विकेट के ऊपर से खेल दिया गया, बाउंड्री लाइन क्रॉस किया, एक और खूबसूरत शॉट हुसैन की जानिब से दिलकश, 6 रन के लिए। अंपायर शाहीन इकबाल का हाथ फिजा में बुलंद होने का इशारा किया, उन्होंने 6 रन होंगे यहाँ, एक खूबसूरत शॉट हुसैन की जानिब से। अब तक मुकाबले शिकस्त इनिंग्स 82 रन बना चुके हैं 39 बॉल के ऊपर, जितनी तारीफ की जाए हुसैन की कम है। तमाम व्यूअर्स को बताता चलूँ, थैंक यू वर्मा जी, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया मोबी भाई आपका, आप तमाम लोगों का प्यार है जिसकी वजह से मैं कुछ भी नहीं हूँ, आप तमाम लोगों के प्यार की वजह से हूँ, आप तमाम व्यूअर्स की, दोस्तों भाइयों और जो मेरे बुजुर्ग हैं उनकी प्यार की वजह से ही इस वक्त मैं मौजूद हूँ। और तमाम लोगों का मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ जो बहुत ज़्यादा प्यार मुझे देते हैं कमर्स की सूरत में और शेयर करके मेरे पेज के ऊपर अपने पेज को। और थैंक यू वर्मा जी, शुक्रिया जी मोबीन भाई, थैंक यू। आज आपका मैच हो रहा है, प्लीज़ काइंडली बताइएगा ज़रा। बिल्कुल जी, BPL के नाम से बहुत बड़ा टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज कर रहे हैं मोहम्मद मोबीन बहरिया टाउन के अंदर, और जहां 7 टीमें पार्टिसिपेट कर रही हैं, एक खूबसूरत टूर्नामेंट और बहुत बड़ी विनिंग प्राइस है उनकी जानिब से, मेरे ख्याल से 3 लाख रुपये और रनर अप के लिए 150 लाख है। एक खूबसूरत टूर्नामेंट मोहम्मद मोबीन जो बहरिया ग्लेडिएटर के रुकन भी हैं, मेंबर भी हैं उनके, और बहरिया बहुत बड़ा टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज कर रही है BPL के नाम से। तो मैं भी उसको बताता चलूँ, आजकल क्रिकेट का सीज़न है, तो इस क्रिकेट के सीज़न के अंदर जैसे कि तमाम भी उसको मालूम है संभाग टीम सिटीज़ के अंदर बहुत बड़े नाम हैं जो टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करते हैं, उनमें सबसे बड़ा नाम इस वक्त मौजूद है हमारे सामने अदनान भाई और सरमद भाई, जैसे कि सरमद भाई संभाग बिग बैच लीग सीज़न 5 अब तक करवा चुके हैं, सीजन 6 का अनाउंसमेंट कर दिया, और नाइट टूर्नामेंट होगा रमज़ान के अंदर, रमज़ान कप होगा। और जैसा कि स्पार्टन्स और संभाजिक बैच ने जॉइंटली रेजोल्यूशंस कप को अनाउंसमेंट किया, और इस वक्त कामयाबी के साथ जारी और सारी है। कौनसा यूनिवर्सिटी ग्राउंड के अंदर ये चौथा मैच खेला जा रहा है जेड सी सी वर्सेज ASB के दरमियान, और तमाम व्यूअर्स को बताता चलूँ IPL भी यहाँ हो रही है 3 सीरीज़ के अंदर, जहाँ आप कह सकते हैं कि उनके 17th एडिशन हो चुके हैं, और ये एक अच्छी खूबसूरत दिलकश के टूर्नामेंट का इनका करते हैं ये तमाम व्यूअर्स, उनको बहुत बड़ा क्रेडिट जाता है, अदनान भाई हो गए, समद भाई हो गए, जावेद भाई हो गए, और काफ़ी सारे नाम हैं, मोहम्मद आमिर रफीक हैं PPL के, बहुत बड़ा नाम जाता है इनको, इनको क्रेडिट भी बहुत बड़ा जाता है कि ये अटल सिटीज़ के अंदर बड़ी अच्छी मैन वेल ऑर्गनाइज क्रिकेट को ऑर्गनाइज कर रहे होते हैं। अब तक बॉल बाउंड्री लाइन से बाहर है, और अंपायर नया बॉल यूज़ करेंगे यहाँ,
तक 11 रन का अख्ताम 11 ओवर के अख्ताम के ऊपर 37 बॉल के ऊपर 68 रन की पार्टनरशिप हो चुकी है और 10.2 की वजह से शतक और रेड सिक्स के बैट्समैन रन बना रहे हैं अब तक अच्छा टीम बहुत अच्छा बैट होते हैं कि बाकी कैसे भी आदिल शबीर फिल्म मोदी ने पॉइंट के ऊपर किसी रन का इजाफा नहीं होगा। 12वें ओवर का खेल जारी है अब तक कैसर नए बॉलर यूज किए जा रहे हैं राइट आर्म ऑफ स्पिन बॉलिंग करेंगे और बैटिंग के ऊपर मौजूद आसिफ आसिफ सामने करेंगे कैसर का मिड विकेट के ऊपर बॉल को प्लेस करिए कोई बात फील्डर इस बॉल को रोकने में नाकाम रहा ये खूबसूरत दिल का शॉट मिड विकेट की जानेब 4 रन के लिए 116 इस बार फिर मिड विकेट और लॉन्ग ऑन के दरमियान बॉल को प्लेस कर दिया गया फील्डर मौजूद जुबैर ने बॉल को फील्ड किया मजीद एक रन का इजाफा होगा एक खूबसूरत शॉट स्कोर बढ़ता हुआ 117 फ्लैट डिलीवरी एक्सट्रा कवर की जाने बाल को पेटे जो प्लेयर मौजूद है शवाल उन्होंने बाल को फील किया मजीद एक रन का इजाफा होगा यहाँ बहुत खूबसूरत शॉट एक लंबा छक्का रिसीव कर दिया मिड विकेट और लॉन्ग ऑन की जानब हुसैन की जानब से आज 6 रन हासिल करने में कामयाब हुए दिल का शॉट हमारे नाजरी को देखने के लिए मिला 89 रन बना चुके हैं अब तक हुसैन जैसा कि मैं तमाम व्यूअर्स को बताता चलूं हुसैन अब तक मुकाबले शिकस्त से नहीं खेल चुके 89 रन बनाए हैं 41 बॉल्स के ऊपर इस ओवर के अंदर 12 ओवर के अख्ताम के ऊपर 125 रन 2 खिलाड़ी हुसैन पुरकुमार दिखाई दे रहे हैं हुसैन सखत जो मोहब्बत और खुलूस से चाह जगाए वही तो है इस्लामाबाद चाय इस्लामाबाद चाय चाहत से भरी दाऊ खान को अपने पेज के ऊपर वेलकम करना खुश आमदी कहता हूँ जी अब तक खान के ऊपर बॉल को पेश कर दिया इस बार आसिफ ने 12 ओवर के अख्ताम के ऊपर 125 दो खिलाड़ी नुकसान पर 12 ओवर 125 रन हो चुके हैं दाऊ एक खूबसूरत बॉल जुबैर का हुसैन के लिए एक अच्छा बॉल और करने में कामयाब हुए जुबैर एक बार फिर बड़े अच्छे तरीके से खिलाड़ी को मदद के साथ मिड विकेट की जाने बॉल को प्रेस कर दिया 2 रन की कॉल आप देखना ही होगा बहुत अच्छी रन रनिंग बीटिंग विकेट एक रन हासिल करने में कामयाब हुए हुसैन और उनके साथ आसिफ मौजूद अब तक एक रन का मजीद इजाफा हुआ
वेलकम जी दाऊद भाई, थैंक यू वेरी मच जी। अब तक बहुत अच्छी बैटिंग का मुजाहरा किया जा रहा है जेड सी सी की जानब से, स्पेशली हुसैन अब तक निकाले शिकस्त, 90 रन बना चुके हैं, 10 रन दूर हैं अब तक सेंचुरी जोड़ने के लिए। और बस लोडर भी करने में कामयाब हुए और स्विप शॉट खेलना चाहते थे, बॉल हुए एक खूबसूरत विकेट हासिल करने में कामयाब हुए। पार्टनरशिप ब्रेक की जुबैर ने, आसिफ की विकेट हासिल करने, अब तक 3 विकेट आउट कर चुके हैं जेड सी सी के बॉलर्स। जी थैंक यू वेरी मच जी, वेलकम बैक। इस वक्त हम 3 खिलाड़ी आउट हो चुके हैं जेड सी सी के, एक अच्छा ब्रेक थ्रू मिला जुबैर की जानिब से, बड़ी अच्छी लाइन के साथ बॉलिंग कर रहे हैं अब तक जुबैर, कामयाब बॉलर हैं एएसबी की जानिब से। जुबैर एक बार फिर आमरान ने आने वाले बैट्समैन आमर लखो, उन्होंने बहुत अच्छा शॉट खेला मिड विकेट और लॉन्ग ऑन के दरमियान, फील्डर मौजूद और मजीद एक रन का इजाफा होगा। यहाँ अच्छी लाइन के साथ बॉलिंग कर रहे हैं जुबैर, दाद देनी होगी अब तक 2.5 ओवर के अंदर 15 रन देकर एक लड़का आउट किया अब तक कामयाब बॉलर एएसबी की जानिब से हुसैन, अब तक कामयाब बैट्समैन 10 रन की दूरी के ऊपर 100 रन बनाने में कामयाब हो सकते हैं जुबैर। लास्ट बॉल करेंगे अपनी ओवर्स का, क्रॉस किया बहुत खूबसूरत शॉट बैक फुट के ऊपर पंच कर दिया, फील्डर मौजूद है शवाल, उन्होंने बॉल को फील्ड किया, मजीद एक रन का इजाफा होगा, स्कोर बढ़ता हुआ 129, 13 ओवर के अख्ताम के ओवर 129, 3 खिलाड़ी के नुकसान पर। बैकवर्ड पॉइंट के ऊपर बॉल को भेजिए फील्डर, मुझे आदिल शबीर डाइव लगा के बॉल को फील्ड किया, एक खूबसूरत डाइव लगाने में कामयाब हुआ और मजीद 30 रन का इजाफा नहीं होगा। हुसैन अब तक 9 रन की दूरी के ऊपर 100 रन बनाने में, इस बार कदमों का इस्तेमाल करके लॉन्ग ऑन की जाने बॉल को फेंकते हुए फील्डर मौजूद है अहमद अफरीदी, उन्होंने बॉल को फील्ड किया, मजीद एक रन का इजाफा हासिल होगा, स्कोर बढ़ता हुआ 130, 14 ओवर का खेल जारी है 2 खिलाड़ी के नुकसान पर। आमिर लखो इस बार सामना करेंगे हक नवाज का, बस मिडिल लेफ्ट की जाने पड़ा और फाइनल के ऊपर अंपायर का इशारा देखना होगा, लेग बाय का इशारा होगा, यहाँ एक रन का इजाफा होगा। यह
इस बार फिर बहुत अच्छे खूबसूरत तरीके से लॉन्ग ऑन की जाने बाल को प्रेशर दिए, फील्डर मौजूद होंगे यहाँ, एक रन से इजाफा, स्कोर बढ़ता हुआ 132। और बहुत खूबसूरत कैच और बिहाइंड, चौथा विकेट हासिल करने में कामयाब हुए इस बार बॉलर के हक नवाज। थैंक यू वेरी मच नए आने वाले बैट्समैन पूछे बॉल, मैमूर नए आने वाले बैट्समैन जिन्होंने ज्वाइन किया अब तक, हुसैन कामयाब टीम बोल रहे हैं 93 रन के ऊपर अपनी क्रीज पर मौजूद, और अब देखना ये होगा कि 7 रन हासिल करने में कामयाब होते हैं अपनी सेंचुरी मुकम्मल करने के लिए। चौदह ओवर के अख्ताम के ऊपर 132 रन, 4 लगने इंसान पर आखिरी ओवर करने के लिए दोबारा अपने बॉलिंग शान के ऊपर मौजूद, इस बार सामना करेंगे हुसैन। माय गुडनेस, आदिल बाल भी चौके और एक खूबसूरत क्या करने में कामयाब हुए, इस तरह अपनी सेंचुरी मुकम्मल करने में कामयाब नहीं हुसैन, इस वक्त के कामयाब थ्री बॉलर जुबैर, उन्होंने दूसरा विकेट हासिल किया। हार्ड लक, वेल बैटिंग हुसैन, वेरी वेल बैटिंग, बहुत अच्छी लाइन के साथ बॉलिंग कर रहे हैं जुबैर, डेलीबरेटली बॉल को तेज भी करते हैं, स्पिन भी करते हैं, स्विंग भी करते हैं और बॉल को स्लो भी करते हैं, और इस वक्त रिसीव किया हुसैन को और इंपॉर्टेंट विकेट हासिल करने में कामयाब हुए। एक बार फिर सामना करेंगे मामूर का, मिड विकेट के ऊपर खेलना चाहते थे, बॉल बॉटम को लगा और सीधा मिड विकेट, शॉर्ट मिड विकेट जाने, बॉलर ने खुद बॉल को फील किया, मजीद एक रन का इजाफा होगा यहाँ, स्कोर बढ़ता हुआ 133, 5 खिलाड़ी के नुकसान पर 15 ओवर का खेल जारी। बहुत अच्छी लाइन रन से बॉलिंग कर रहे हैं अब तक, 3-4 के 2 ओवर के अंदर 17 रन देकर 2 खिलाड़ी को आउट किया, कामयाब तरीन बॉलर है ZCC की जानब से, ASB की जानब से। नहीं आने वाले बैट्समैन बिलाल सरवर जिन्होंने ज्वाइन किया मामूर खान को, और अब तक
तीन डाल हो चुके हैं अब तक 15 ओवर के। दोनों नए बैट्समैन है इसके क्रीज के ऊपर मौजूद, बिलाल सरवर और महमूद। महमूद इस बार सामना करेंगे जुबैर की बॉलिंग का। जुबैर अपने बॉलिंग चांस के ऊपर मौजूद, हाई अंपायर को क्रॉस किया, कट करना चाहते थे, बॉल बीट हुए, काफ़ी तेज डिलीवरी थी, लेट प्रेस किया बॉल को मामूर ने, हाथ सीधा कीपर के ग्लव में, एक अच्छा बॉल डॉट करने में कामयाब हुई इस बार जुबैर। जुबैर एक बार फिर सामना करेंगे मामूर का, हाई अंपायर को क्रॉस किया, इस बार फिर लॉन्ग ऑन के ऊपर से खेलना चाहते, बॉल फिर बॉटम को लगी, मुकम्मल तौर पर टाइम नहीं हुआ और लॉन्ग ऑन की जाने फील्डर मौजूद, अवैस उन्होंने बॉल को फील्ड किया, मजीद एक रन से इजाफा होगा, स्कोर बढ़ता हुआ 135। जैसा कि मैंने व्यूअर्स को कहा था कि बॉल बड़ा इंपॉर्टेंट मैटर होगा दोनों जानिब से, और वही हुआ कि जो ही बॉल दो बार चेंज हुआ और ये मुकम्मल तौर पर बॉलिंग साइड की जानिब दिया गया चला गया, क्योंकि यहाँ दोनों बैट्समैन जो दो सेट बैट्समैन थे आसिफ और हुसैन वो आउट हो चुके हैं, वापस पवेलियन की जानिब जा चुके हैं, नए आने वाले बैट्समैन महमूद और उनके साथ हैं बिलाल सरवर। अब देखना ये होगा कि बड़े इंपॉर्टेंट ओवर होंगे बैट्समैन के लिए, ये लास्ट 5 ओवर और 2 ओवर इंपॉर्टेंट होंगे बॉलर्स के लिए। जुबैर सामना करेंगे बिलाल का, बड़े अच्छे डेलिब्रेटी बॉल को प्लेस कर दिया गया, फाइन लेग की जाने फील्डर मौजूद थे, मजीद एक रन का इजाफा होगा यहाँ, 15 ओवर के अख्ताम के ऊपर 136 रन, 5 खिलाड़ी के नुकसान पर, अब तक 5 ओवर बाकी हैं ZCC की जानब से बैटिंग के लिए, बड़े इंपॉर्टेंट ओवर होंगे, अब देखना ही होगा कि इस 5 ओवर के अंदर कितने रन जोड़ने में कामयाब होती हैं। दोनों सीनियर बैट्समैन इस क्रीज के ऊपर मौजूद हैं, बिलाल सरवर उनके साथ हैं, मामूर खान। फ्रंट फुट के ऊपर पैड निकालकर कोर्ट की जाने बॉल को फेस किया बिलाल ने, मजी देखने का इजाफा, स्कोर बढ़ता हुआ 137। फिर लॉन्ग ऑन की जाने बॉल को प्रेस करना चाहते थे, मुकम्मल तौर पर टाइम नहीं कर पाए मामूर, और मजीद देख रन का इजाफा होगा, स्कोर बढ़ता हुआ 138।
कैसर, बड़ी अच्छी बॉलिंग की, यॉर्क लैंड डिवी के ऊपर था, बिलाल ने मुताद तरीके से स्ट्रेट बॉलर की जानब खेला, मजीद किस्म का इजाफा नहीं हुआ। लास्ट ओवर एक बार फिर सामना करेंगे कैसर का, कैसर अपने बॉलिंग शान के ऊपर मौजूद, आई एम पैर को क्रॉस किया, कदमों का इस्तेमाल करके वापस बॉलर की जानब खेला, कैच ड्रॉप किया, तेज शॉट था, मजीद एक रन का इजाफा होगा यहाँ। कैसर इस बार सामना करेंगे मामूर का, मामूर ने अब तक 5 डाले के ऊपर 3 रन बनाए हैं, बिलाल ने 5 डाले के 4 रन, कैसर अपने बॉलिंग शान के ऊपर मौजूद आए, जोरदार शॉट खेलना चाहते थे, बॉल बीट हुए सीधा कीपर के ग्लव में, एक अच्छा बॉल आउट करने में कामयाब हुई इस बार मामूर के ऊपर कैसर खान। बॉलिंग के ऊपर मौजूद इस बार फुल टॉस डिलीवरी, अंपायर का कॉल होगा वाइड बॉल, और इस में एक बाइक का रन भी हासिल करना चाहेंगे, यहाँ 2 रन का इजाफा होगा यहाँ, और बढ़ता हुआ 41। इस बार फिर सामना करेंगे कैसे की बॉलिंग का, स्लो बॉल है इस वक्त, स्टेयर लगा मिड 5 लेग के दरमियान, बॉल को प्लेस कर दिया, फील्डर वहाँ मौजूद होंगे और उन्होंने 1 रन का इजाफा किया, और बढ़ता हुआ 42। 16 ओवर के अख्ताम के ऊपर 142 रन हो चुके हैं, 5 खिलाड़ी के नुकसान पर। जो मोहब्बत और खुलूस से चाह जगाए वही तो है इस्लामाबाद चाय, इस्लामाबाद चाय चाहत से भरी। बड़ा मुश्किल हो चुका है, ये 16 ओवर के अख्ताम के ऊपर 142 रन हो चुके हैं, 5 खिलाड़ी के नुकसान पर। 17 ओवर का खेल जारी है, 17 ओवर के लिए अपने बॉलिंग शान के ऊपर मौजूद आदिल शब्बीर, राइट हैंड फास्ट बॉलिंग करेंगे, और उस बार सामना करेंगे उनका बिलाल सरवर, लेफ्ट हैंड बैटिंग करते हैं, बड़े इंपॉर्टेंट ओवर होंगे ये लास्ट 5 ओवर बैट्समैन के लिए और बॉलर्स के लिए। बॉलिंग शान से दौड़ते हुए एम्पायर को क्रॉस किया, अच्छा बॉल, बॉल को प्लेस करना चाहते थे फाइन लेग और स्क्वायर लेग के दरमियान, बॉल सीधा थाई पैड के ऊपर लगा और एक अच्छा बॉल बीट करने में कामयाब हुआ आदर शबीर। इस बार सामने थे बिलाल साहब,
बहुत अच्छी, नाइस पीस ऑफ वॉर आदिल शबीर एंड सामी हूँ बिलाल सागर, देखने के बड़े दोनों सीनियर बॉलर्स और सीनियर बैट्समैन हैं। देखने लगा कि उस पार्ट कौन कामयाब होता है। आदिल शबीर इंपैक्ट क्रॉस किया और बहुत अच्छी लाइन लाइन साथ बॉलिंग कर रहे हैं आदिल शबीर, क्रेडिट देना होगा उनको। बहुत तेज शॉर्ट रन अप के साथ बहुत तेज बॉलिंग कर रहे हैं। एक क्रूशियल बॉल जो जीत गए सीधा कीपर के ग्लव में आदिल शबीर की जानेब से। आदिल शबीर का सामने करने आए, इंपैक्ट को क्रॉस किया, बहुत अच्छा पॉइंट की जाने बॉल को प्रेस किया फील्डर बॉल के पीछे और इस तरह बॉल रोकने में कामयाब हुए। यहाँ मजीद दो रन का इजाफा होगा। नाइस ऑफ नाइस पीस ऑफ बॉल फील्डिंग। खेल जारी है, तक 144 रन हो चुके हैं। बिलाल सागर एक बार फिर सामना करेंगे आदिल शबीर का। आदिल शबीर अपने रन से दौड़ते हुए आए, अंपायर को क्रॉस किया, अच्छा यॉर्क लाइन के ऊपर बॉल था, एज हुआ सीधा चंदन की जानेब, फील्डर मौजूद और एक रन का इजाफा होगा। स्कोर बढ़ता हुआ 145। हैदर अली थैंक यू मैं जी हैदर अली अपने पेज के ऊपर वेलकम करता हूँ, खुश आमदीद कहता हूँ। आदिल की हर विकेट पे 500 का इनाम होगा, हैदर अली कह रहे हैं भाई। भाई हैदर भाई मैंने आपका मैसेज आदिल भाई को दे दिया, हर विकेट के ऊपर 500 का इनाम जी। वो कह रहे हैं कि मैं अपना अकाउंट नंबर सेंड करता हूँ, आप अपने जो 500 सेंड करने हैं वो मेरे सीधे अकाउंट में सेंड करने हैं आपने। आदिल शबीर बहुत बड़ा इनाम हैदर अली की जानिब से 500 पर विकेट जी। थैंक यू वर्मा जी, खुश आमदीद कहता हूँ आदिल हैदर अली को अपने पेज के ऊपर वेलकम करता हूँ। इस बार मामूर सामना करेंगे आदिल शबीर का। अब देखना ये होगा कि आदिल शबीर विकेट हासिल करने में कामयाब होते हैं तो हैदर अली की जानिब से 500 का इनाम होगा जी। बिल्कुल हैदर भाई मैंने आदिल को आपका बता दिया हुआ है कि 500 पर विकेट है, मुस्कुराइए थोड़ा सा। आदिल शबीर एक बार फिर अपने रनअप के ऊपर मौजूद, आदिल शबीर अपनी फील्डिंग को सेट करते हुए और फाइन लेग के ऊपर किया और पॉइंट को डीप किया है, बॉलिंग निशान के ऊपर मौजूद आदिल शबीर। एक बार फिर सामना करेंगे मामूर खान उनकी बॉलिंग का, हाई एम्पायर को क्रॉस किया, ओ माय गुडनेस, अंपायर कीपर के सर के ऊपर से कैच गुजरता हुआ, बाउंड्री लाइन क्रॉस किया, चार रन इकबाल शाहीन इकबाल का इशारा, चार रन होंगे यहां। हैदर भाई आपका 500 डूबने वाला था, बहुत अच्छा बॉल किया, एज हुआ सीधा कीपर के ग्लव्स के ऊपर से गुजरता हुआ थर्ड मैन की जाने, चार रन के लिए। हैदर भाई कह रहे हैं आउट तो करें ना, बिल्कुल जी हैदर भाई, आदिल भाई ने कह दिया मैंने आउट तो कर दिया, अभी किया नहीं उन्होंने कैच, तो मैं क्या कर सकता हूँ। डेफिनेटली जब कैच उसी सूरत में होता है जब आप पकड़ते हैं इसको, विकेट उसी सूरत में काउंट होती है जब आप कैच को पकड़ते हैं या बॉल करते हैं, तो बिल्कुल इसी किस्म का काम करना होगा आदिल शबीर को। एक बार फिर अपने रन के आए, अंपायर को क्रॉस किया, अच्छी डिलीवरी, एक खूबसूरत बॉल आदिल शबीर की जानिब से, बहुत अच्छा हुआ कम बैक किया एएसबी ने। अब तक 17 ओवर के अख्ताम के ऊपर 149 लॉस ऑफ 4 विकेट्स। बिल्कुल हैदर भाई आपने सही कहा, आउट तो करें क्योंकि ज़रा विकेट उसी सूरत में काउंट होती है जब आउट किया जाता है। और हमारे विकेट के अंदर 17 ओवर के अख्ताम के ऊपर 149 रन 5 विकेट के नुकसान पर 14 ओवर का खेल जारी है मिड विकेट के ऊपर और उसके अलग के दरमियान बॉल को प्लेस कर दिया गया, फील्डर वो मौजूद हैं, 150 रन हो चुके हुए हैं ZCC के और 18 ओवर का खेल जारी है। अब तक 18 बॉलों के ऊपर 18 रन की पार्टनरशिप और प्रोजेक्टिव स्कोर 175.6 एक्सट्रा दिए हैं, बहुत अच्छी लाइन लाइन साथ बॉलिंग की अब तक एएसबी की बॉलर्स ने।
महबूब खान इस बार फिर सामना करेंगे कैसर की बॉलिंग का। कैसर अपनी बॉलिंग शान के ऊपर मौजूद, जोरदार कट करना चाहते बॉल है, बहुत ज़्यादा बॉडी से बैठ थी और अंपायर का इशारा यहाँ इशफाक चौहान का वाइड बॉल एक्स्ट्रा की चेक में एक रन से इजाफा होगा। स्कोर बढ़ता हुआ 151। इस बार फिर मिड विकेट और लॉन्ग आर्म दरमियान बॉल को प्लेस कर दिया गया, फील्डर मौजूद शवाल, उन्होंने बॉल को फील्ड किया, मजीद एक रन से इजाफा होगा। स्कोर बढ़ता हुआ 152। पांच खिलाड़ी के नुकसान पर बड़ी अच्छी कम बैक किया जेड ए एस बी ने, बॉलिंग के बड़ी अच्छी लाइन के साथ बॉलिंग कर रही है, अब तक पांच खिलाड़ी आउट किए उन्होंने। क्या चलेगा फिर मिड विकेट के ऊपर बॉल को प्रेस किया, फील्डर मौजूद है जुबैर, उन्होंने बॉल को आसानी फील्ड किया, मजीद एक रन का इजाफा होगा। यहाँ स्कोर बढ़ता हुआ 153। एक खूबसूरत शॉट मिड विकेट लॉन्ग ऑन के दरमियान, एक बुलंदो वाला छक्का रसीद कर दिया इस बार मामूर ने कैसर को, और एक खूबसूरत शॉट देखने के लिए शाकिर को मिला, छह रन होंगे यहाँ। स्कोर बढ़ता हुआ 159। इसी टाइप के शॉट्स खेलने के लिए मामूर खान मशहूर हैं, बट अब तक उनका बल्ला गेंद के साथ अपना मैच नहीं, ये पहला बॉल है जो मुकम्मल तौर पर टाइम हुआ मामूर की जानब से, और आपने देखा शाकिर ने, और एक बुलंदो वाला छक्का मिड विकेट की जाने, खूबसूरत शॉट छह रन के लिए खेला। और इस बार विकेट हासिल करने में कामयाब हुए, सिंपल कैच लॉन्ग ऑन की जाने पर, और इंपॉर्टेंट विकेट हासिल करने में कामयाब हुए मामूर खान की छठा विकेट। वेलकम इस वक्त नए आने वाले बैट्समैन जिन्होंने ज्वाइन किया है, ओ बहुत ज़ोरदार शॉट खेलिएगा लॉन्ग ऑन की जाने वह बॉल, और अहमद अफरीदी ने बॉल को मिस किया और इसमें बाउंड्री हासिल करने में कामयाब इस बार बिलाल सरवर, नए आने वाले बैट्समैन मनान। अठारह ओवर के अख्ताम के ऊपर 163 रन, चार छः खिलाड़ी नुकसान पा। अठारह ओवर के अख्ताम के ऊपर 163 रन, जिसके छह खिलाड़ी के अनुसार पर अब तक एक बॉलर के ऊपर चार रन की पार्टनरशिप, प्रोजेक्टिव स्कोर 181। अच्छा टारगेट होगा, मुश्किल होगा जेड सी सी एएसबी को चेस करने के लिए, अपना लास्ट ओवर करने के लिए अपने बॉलिंग चांस के ऊपर मौजूद। अब तक तीन ओवर किए, 28 रन देकर बगैर किसी खिलाड़ी को आउट किए हुए आदर्श ने रन अप किया, अंपायर के पास किया, और इस बार एक खूबसूरत बॉल बीट करने में कामयाब हुए सीधा कीपर के ग्लव में, एक अच्छा बॉल आदर्श की जानिब से। जी हैदर भाई आपका वेट कर रहे हैं जी, अगली बॉल के ऊपर आउट करने में कामयाब होंगे और 500 रुपये आप देने के लिए
रेडियन के, ये हम आपसे लाजमी लेंगे क्योंकि आप ऐसे प्लेटफॉर्म के ऊपर एक अनाउंसमेंट कर रहे हैं। आदिल शबीर एक बार फिर सामना करेंगे मनान की बॉलिंग का, फुल लाइन डिलीवरी थी, कट करना चाहते थे बॉल को, एज हुआ बॉल, कीपर ने फील्ड किया, मजीद एक रन का इजाफा, वेरी नाइस बॉलिंग आदिल शबीर, गुड पीस ऑफ बॉलिंग, डेप्थ ऑफ के अंदर बहुत अच्छी तजर्बा रखते हैं आदिल शबीर, ऑल टू डिवीजन की नुमाइंदगी कर चुके हैं, गुड बॉलर हैं। आदिल शबीर एक बार फिर अपने बॉलिंग शान के ऊपर मौजूद होते हुए अंपायर को क्रॉस किया, इस बार एजुआ सीधा थर्डमैन के पास, फील्डर मौजूद, मजीद एक रन का इजाफा होगा यहाँ, वेरी नाइस पीस ऑफ बॉलिंग आदिल शबीर, स्कोर बढ़ता हुआ 165। मनान खान एक बार फिर सामना करेंगे आदिल शबीर की बॉलिंग का, आई एम्पायर के क्रॉस किया, पीछे पड़ा बॉल था, पुल करना चाहते थे, बॉल बीट हुए और खूबसूरत रन आउट करने में कामयाब इस बार। चाहे दुल्हा मियां वेट करे हम चुप करके अटक ले, चाहे दोस्तों की ओ कुंवारी चुप करके अटक ले, बॉस को बनाना है और चाय भी बनाना है, खेल कूद या हो कमेंट्री क्योंकि जो मर्जी और यहाँ रन आता है तो रन आउट भी आउट नहीं आता ना, तो 500 रुपया आपको देना होगा आगे जो मोहब्बत और खुलूस से चाहत जगह वही तो है इस्लामाबाद चाय, इस्लामाबाद चाय चाहत से भरी। बिल्कुल हैदर भाई, रन आउट तो आउट आउट होता है, रन आउट हो या बोल्ड हो, एक बार फिर आदर्श भी बड़ी अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट, दोनों बैट्समैन के दरमियान मजीद दो रन का हासिल होंगे यहाँ, बहुत थ्रिल ओवर किया इस बार, अब तक चार रन देने में कामयाब, एक विकेट हासिल की रन आउट की सूरत। आदिल शबीर अपने बॉलिंग रन से दौड़ते हुए अंपायर को क्रॉस किया, बार सामना करें बिलाल सरवार, शॉट डिलीवरी और मिड विकेट की जाने बॉल को प्लेस कर दिया बिलाल सरवार ने, शॉट में मौजूद है, दो रन हासिल करना चाहते हैं और वापस किया बिलाल सरवार ने, और दूसरा रन आउट करने में कामयाब, दो विकेटें 1000 रुपीज आपको देने होंगे हैदर अली। खेल कूद या हो कमेंट्री
इस्लामाबाद जगह है, वही तो है इस्लामाबाद चाय। इस्लामाबाद चाय चाहत से भरी। बाद अपना आखिरी ओवर कंटिन्यू रखेंगे। अब तक तीन ओवर के अख्ताम के ऊपर 24 रन एक लड़ी को आउट किया। बिलाल सर इस बार उनकी बॉलिंग का सामना करेंगे। हाई अंपायर को क्रॉस किया और आउट ऑफ स्टंप डिलीवरी थी वाइड बॉल और एक और रन का इजाफा होगा। शास्त्र की सूरत में स्कोर बढ़ता हुआ 168 ओवर का खेल जारी है। लास्ट ओवर बाकी हकनवाज इस बार सामना करेंगे बिलाल सर। एक बार फिर लेफ्ट हैंड बैटिंग करते हैं, अपने बॉलिंग चांस के ऊपर मौजूद, कदमों का इस्तेमाल करके खेलना चाहते थे। बॉल स्टंप हुआ, बहुत अच्छी क्विक स्टंपिंग। चाहे दुल्हा मियां वेट करे हम चुप करके अटक ले, चाहे दोस्तों की ओ कुंवारी चुप करके अटक ले। बॉस को बनाना है और चाय भी बनाना है। लास्ट विकेट बाकी अब तक जेड सी सी के बैट्समैनों की और बॉलिंग अजीज कैप्टन खुद आए हैं बैटिंग करने के लिए। अजीजुल्ला बैट एंड बैटिंग करेंगे और सामना करेंगे इस बार हक नवाज का। हक नवाज ने अब तक दो विकेट हासिल किए। आई एम पार्टी क्रॉस किया, थर्डमैन की जाने बाल को फेस कर दिया गया। फील्डर मौजूद है अहमद अफरीदी, उन्होंने बहुत बाल को फील्ड किया। मजीद एक रन का इजाफा होगा, यहाँ स्कोर बढ़ता हुआ 170। चार बॉल बाकी हैं इनिंग्स को क्लोज होने के लिए। अब देखना ही होगा चार बॉल्स के ऊपर कितने रन हासिल करने में कामयाब होते हैं, ये बड़े इंपॉर्टेंट रन होंगे। और मजीद खान लेफ्ट हैंड बैटिंग करते हैं, बहुत अच्छे बैट्समैन हैं और आउट क्लास बॉलिंग करते हैं। लेफ्ट हैंड लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिन भी हैं, मैं भी उसको बताता चलूँ, बड़े अच्छे टैलेंटेड। और इस दौरान एक और रन हासिल करने में कामयाब हुए, स्कोर बढ़ता हुआ 171। मैं भी उसको बताता चलूँ, मजीद खान बहुत अच्छे ऑलराउंडर हैं। और इन तमाम व्यूज़ को ये भी बताता चलूँ कि मजीद खान ने अब तक एक किडनी के ऊपर सर्वाइव कर रहे हैं क्रिकेट के लिए। जैसे कि आप तमाम व्यूज़ को मालूम है, दो साल पहले उन्होंने अपने भाई को किडनी डोनेट की थी और अब काफ़ी अरसे से क्रिकेट के लिए वापसी हुई है उनकी और बड़े अच्छे फिट हैं क्रिकेट खेलने के लिए। इस वक्त आप ये देख सकते हैं, इस वक्त वो बॉलिंग के लिए भी अपने बॉलिंग के लिए भी आएंगे, बट बड़े अच्छे थ्रिल अभी इनके अंदर मौजूद है। बहुत बड़ा जज्बा है अपने भाई को किडनी देने का। ये बहुत ही कम इस किस्म इस टाइप के लोग होते हैं जो किडनी को डोनेट करते हैं। और मज़े की बात यही है कि किडनी डोनेट करके क्रिकेट खेलना बड़ा टफ जॉब होता है। दो रन का मजीद इजाफा होगा, यहाँ थोड़ी देर के लिए अजीज भाई रुके थे। स्कोर बढ़ता हुआ 173। लास्ट बॉल बाकी है इनिंग्स को क्लोज होने के लिए। तमाम शायकीन को बताता चलूँ, रेजोल्यूशन कप T20 टूर्नामेंट का ये चौथा मैच लाइव टेलीकास्ट करें हम आपको ट्रांस स्पोर्ट टीवी के ऊपर जेड सी सी वर्सेज ASB के दरमियान कॉमसन यूनिवर्सिटी से लाइव टेलीकास्ट किया जा रहा है। अब तक 19.5 ओवर के खत्म पर 173 रन की शानदार इनिंग्स खेली जेड सी सी ने। अब तक उनका एक खिलाड़ी बाकी, इस बार जोरदार शॉट खेल दिया गया लॉन्ग ऑफ के ऊपर से, एक खूबसूरत शॉट, एक अच्छा कैच करने में कामयाब हुए। और अब तक तमाम व्यूअर्स को बताता चलूँ, अब तक जो टारगेट है वो 174 रन का टारगेट दिया है चेस करने के लिए ASB की टीम को। तमाम व्यूअर्स से मेरी गुजारिश है, प्लीज़ मेरे इस पेज के ऊपर ही स्टे करें, यहीं रहें। इंशाल्लाह वी विल राइट बैक आफ्टर अ 10 मिनट ब्रेक।
इसी तरह ये कंटिन्यू है, तब तक आप कमर्शियल को इंजॉय करें। इंशाल्लाह मैं वापस आता हूँ 5 मिनट में। थैंक यू वेरी मच जी। तमाम व्यूअर्स को बताता चलूँ कि अभी थोड़ी देर के बाद इंशाल्लाह हम आप ZCC के कैप्टन मेरे साथ मौजूद होंगे अजीज़ खान, और उनसे हम इंटरव्यू करेंगे इनकी इनिंग्स के हवाले से। तो इंशाल्लाह